हाय फ्रेंड, जय हिंद, गुड आफ्टरनून, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जो कि वॉक इन सिलेक्शन है, वॉक इन इंटरव्यू की तरह सिलेक्शन है, जिसमें लमसम सभी ब्रांच को एलिजिबल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, टेलीकम्युनिकेशन हो, सिविल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एनवायरमेंटल, केमिकल, तो आप किसी भी ट्रेड से रिलेटेड हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और वॉक इन इंटरव्यू वैकेंसी है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये जो वैकेंसी है, ये कौशल भारत, कुशल भारत के तहत है। इसमें इंटरव्यू देने आपको बैंगलोर जाना पड़ेगा, ठीक है। बेंगलुरु में आपको इंटरव्यू देना चाहिए, जो कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक नौरत्न PSU कंपनी है। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रेडर्स हैं, तो आपको 9 जनवरी 2019 को वेन्यू पे पहुंचना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इसमें एक डायरेक्ट एक फॉर्म फिलअप करना है, उसका फॉर्मेट लेके जाना पड़ेगा आपको। ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म है ये। बायो डाटा आपको फिल करना है, नेम्स, फादर नेम्स, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ठीक है। ये आपको सिंपल फॉर्म फिल करना है, आपको वेन्यू पे पहुंच जाना है, आपको वहाँ एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा और डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा, वो आपको 11,500 आपको स्टाइपेंड मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज इसके साथ मिलेगा आपको, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, ठीक है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग है, मींस यदि आपने डिग्री किया है किसी भी ट्रेड से, मैकेनिकल, और देखिए जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ठीक है, तो इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इनका 10/1/2019 मींस 10 जनवरी 2019 को इनको बैंगलोर में इनका इंटरव्यू होगा। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 11/1/2019 को, कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले, सिविल, इन्वायरमेंटल एंड केमिकल का 12 जनवरी 2019 को इंटरव्यू होगा बैंगलोर वेन्यू सेंटर पे। मोड ऑफ सिलेक्शन रिटर्न टेस्ट है, ठीक है, और उसके परफॉर्मेंस पे एक सिलेक्शन होगा। एलिजिबिलिटी, इंडिया का कैंडिडेट होना चाहिए, मींस ऑल ओवर इंडिया नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है इन्होंने, और वो बंदा मींस डिग्री एग्जामिनेशन क्लियर किया हो, ठीक है, आफ्टर 1/6/2016 के बाद का कैंडिडेट हो, ठीक है। और बाकी डिटेल में इसमें देखिए, ये पैसा भी दिया हुआ है, 11,110 रुपये मिलेंगे आपको, ठीक है। और बाकी इसको अप्लाई करने के लिए आप bhelindia.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी जो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।